नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। ऋषि कपूर अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। वो जो भी बोलते हैं खुलकर बोलते हैं। हाल ही में मुल्क के प्रमोशन के दौरान ऋषि कपूर से अनुराग कश्यप और अनुराग बसु के बारे में पूछा गया तो वो विफर पड़े। ऋषि कपूर ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप और बसु को फटकार लगाई। ऋषि कपूर ने कहा कि अनुराग कश्यप को आप खूब सारा पैसा दे दो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। अनुराग बसु की जग्गा जासूस इतनी खराब फिल्म थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। साथ ही उसकी स्टोरी भी बकवास थी। मैंने रणबीर से जग्गा जासूस के बारे में बात की तो उसने कहा, पापा इसी डायरेक्टर ने मुझे बर्फी दी थी, मैं इसकी काबिलियत पर कैसे सवाल उठा सकता हूँ। मुझे लगा कि वो फिल्म को गंभीरता से बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों फिल्में काफी फ्लॉप गई और इन दोनों फिल्मों के फ्लॉप होने से रणबीर के करियर को खासा झटका पहुंचा था। वैसे ही पहली बार नहीं है जब ऋषि कपूर ने अनुराग कश्यप और अनुराग बसु के बारे में इस तरीके से खुलकर बयान दिया हो। इससे पहले भी वो दोनों को फटकार लगा चुके हैं। ऋषि कपूर को लगता है कि अनुराग कश्यप और अनुराग बसु के चलते उनके बेटे के करियर को खासा नुकसान पहुंचा है। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।